संबित पात्रा ने राहुल गांधी के किसानों वाला बयान को जो उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया था उसको लेकर राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल जी, जहां तक किसानों का सवाल है, मुझे लगता है आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। चंद दिनों पहले कृषि मंत्री जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें सारे डाटा दिए हुए थे। एक छोटे से विषय को मैं राहुल जी तक पहुंचाना चाहूंगा। दलहन, तिलहन और कपास, ये तीन ऐसे कंपोनेंट हैं, ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत महत्व रखते हैं। कृषि के सेक्टर में बड़ा महत्व है दलहन, तिलहन और कपास का। आप देखिए, मैं कंपैरिजन के लिए आंकड़े बता रहा हूं, किस प्रकार दलहन, तिलहन और कपास की खरीद अभूतपूर्व रूप से इसमें एक बढ़ोतरी हुई है, इसमें एक इंक्रीज हुआ है। 2011 से 2014 तक राहुल जी, आप ही की एक्सीडेंटल सरकार थी। एक्सीडेंटल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनमोहन जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। 2011 से 2014 तक जब आपकी सरकार थी तो जो प्रोक्योरमेंट किया, जो खरीदी की गई थी दलहन, तिलहन और कपास की आपके सरकार के समय, वह था 16,04,447 लाख मेट्रिक टन। 16,04,447 मेट्रिक टन यह प्रोक्योरमेंट आपके समय। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आंकड़ों के जाल में फंसा दिया जिसे राहुल गांधी के सर के ऊपर से निकल जाएंगे। SPN नैनीजन की रिपोर्ट।